हमें तो अच्छा ही लगा ट्रेलर बट सोनाली इज लुकिंग वेरी हॉट. इशिता की आंखें बहुत ही नशीली हैं. कौन हॉट मंडे? पवन जी. व्हाट? विजयराज जी. व्हाट? आई एम जेलस ऑफ योर गन पिकिंग शॉट. नमस्कार, मैं हूं नम्रता दुबे और मेरे साथ है दो खूबसूरत सी लड़कियां सोनाली और इशिता. आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही क्योंकि मैं ट्रेलर देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई. आप बताइए आपको ट्रेलर देखकर कैसा फीडबैक मिला? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं. हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको और ऑडियंसेस को ट्रेलर अच्छा, बिकॉज द रिस्पॉन्स इज बीन ग्रेट. आज ही लॉन्च हुआ एंड द रिस्पॉन्स इज क्वाइट नाइस. हमें तो अच्छा ही लगा ट्रेलर बट ऑब्वियसली एक अच्छी सी एक पॉजिटिविटी आ जाती है जब ऑडियंस को भी पसंद आता है. सो या तो हम देख सकते हैं कि पीछे पोस्टर भी है. तो यहाँ पर एक थोड़ा फन वाली बात कर लेते हैं. आपको पोस्टर की बड़ाई करनी है लेकिन ऑपोजिट वे में, जैसे आपको कहना है पोस्टर अच्छा नहीं है, काफी बुरा है, लेकिन ऑपोजिट में. तो सबसे पहले थोड़ा मजा आएगा इसलिए. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल. तो हम यहाँ पर पोस्टर भी देख पा रहे हैं. तो आप दोनों को एक दूसरे को पोस्टर में देख के बताना है एक दूसरे के बारे में. आप अपने बारे में नहीं बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे, आप उनके बारे में. तो चलिए पोस्टर देख कर शुरुआत करते हैं. अच्छा, हम एक दूसरे के बारे में बताएंगे. जी, सोनाली इज लुकिंग वेरी हॉट. ओके, मतलब मैं नहीं लग रही हूं. नहीं, अभी सीधा बोलना. अच्छा, अभी सीधा बोलना. अच्छा, सीधा बोलना है. इशिता की आंखें बहुत ही नशीली हैं. I like Sonali's look, not just in the poster, in the entire film. I think she looks very sweet and innocent. I want to say that Sonali is extremely fit and I keep looking at her yoga videos and she really inspires me. And I like that she listens to me and she's given up sugar. Okay. आपकी तो बातें हो गई, लेकिन जो हॉट मुंडे दिख रहे हैं पोस्टर में उनकी भी बात कर दी. अपने अपने तरीके से बता दे कि किस तरह आपको ओवरऑल पोस्टर लग रहा है, क्या आपका ख्याल है? कौन हॉट मुंडे? पवन जी. विजयराज जी. कौन? ओह, आपका वश है यार. अच्छा अच्छा अच्छा. उनकी क्या बातें करनी है? हाँ, कैसे लग रहे हैं? ओ पोस्टर है, वेरी नाइस वे लुकिंग. आई थिंक आफ्ताब की लुक बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज नो वन सीन हिम लाइक अ कॉप एंड इन अ मस्टैच. इट्स रियली नाइस. दे लुकिंग वेरी गुड. आई थिंक बहुत फोटोशॉप किया उनके फोटोज को. इतने अच्छे लग रहे हैं कैसे? जी, आप बताएं. आई लव द पोस्टर, द एंटायर पोस्टर आल्सो, कि इन्होंने मूवी की एलिमेंट्स सब कुछ, यू नो, यू काइंड ऑफ गेट अ जिस्ट ऑफ. जी बिल्कुल बिल्कुल. सो इट्स कलरफुल, इट्स वाइब्रेंट, इट हैज almost all the actors, because this film is not just about one person. It's like, you know, there's no hero. The script is the hero and all our characters were kind of supporting the film. जी. So I like that. Interesting. अच्छा, फिल्म को अगर मैंने ट्रेलर देखा उसके बाद अगर बात की जाए तो आप लोगों के पास ये फिल्म कैसे आई, किस तरह अप्रोच किया गया और सडन लाइक अब तैयार थे इस चीज़ के लिए कि बिल्कुल अचानक आ गया ऐसा रोल कुछ? मैं सबकॉन्शियसली तैयार थी बिकॉज सबकॉन्शियसली आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग जो हटके है, जो कॉमेडी नहीं है, बिकॉज मैंने आज तक सिर्फ कॉमेडीज की हैं. सो एक थ्रिलर भी है, सीरियस रोल भी है. सो मेरा पहला तो था कि यस करना है. आई न्यू कि ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स आफ्ताब एंड श्रेयस हैव अ मेन पार्ट. सो आई न्यू कि शायद उतना मेरे लिए करने को नहीं होगा फिल्म में, बट स्टिल आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट एंड एक कॉप का किरदार करने में एक एक्साइटमेंट भी और है. और प्लस स्क्रिप्ट बहुत, एंड एज वी से नाउ, स्क्रिप्ट इज गॉड, स्क्रिप्ट इज ब्रिलियंट. अश्विनी जी इज लाइक, व्हेन आई हर्ड दैट ही इज डायरेक्टिंग द फिल्म, और फिर मैं जब उनको मिली तो ये दो तीन रीजन से स्क्रिप्ट अश्विनी सर दैट आई वांटेड टू डू द फिल्म. Same for me. The script was fab when I heard it. I didn't even hear the entire detailed narration. Just the gist of it, and Ashwini sir was there because he's a producer hai. And they told me about my character. Somehow, sometimes, you know, it's not about the length of your role in the film. It's just the film itself and you want to be a part of it. Such a great script. It is talking about something which is so much happening in our society today. And on such a large scale, and hume pata bhi nahi. Jaise jab main andar gayi, I knew that this type ki kuch film hai. I knew ki haan cheating hota hai, paper leak hota hai. There's so much more, you know. Kitne sare log involved hote hain, kitne logo ki zindagi
दिमाग ही शायद खराब हो जाती है. खराब हो जाती है बिल्कुल. सो मच सो आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच इज सो स्ट्रांग. अच्छा चीटिंग की बात तो आप दोनों से जाने, तो किसी ने एग्जाम में कभी चीटिंग की है? नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं. मुझे समझ ही नहीं आता लोग करते क्यों हैं चीटिंग. लाइक और प्लस में जरूरत भी नहीं पड़ी बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट. कोशिश की बहुत मैंने और मेरे फ्रेंड ने. मेरी फ्रेंड मुझे मारने वाली है आज बिकॉज आई यू नो सब. आई थिंक यू शुड टेक हर नेम. आई विल नॉट टेक हर नेम. बट हम दोनों ने पूरी रात बैठ के भी मेड चिट्स. एंड ऐसा नहीं कि हम एकदम खराब स्टूडेंट भी थे, बट समहाउ यू नो यू गेट यू सी अदर्स एंड यू लाइक चल ना करते ट्राई. तो पकड़ी नहीं गया? नहीं, किया ही नहीं. अच्छा. जाके जो टीचर को देखा ना तो वी गॉट सो स्कैर्ड. वी वर लाइक ये तो हम तो पकड़. एंड यू नो व्हेन यू हैव नॉट डन इट एंड यू आर स्कैर्ड यू नो यू विल गेट कॉल्ड. जी फाइनली वी जस्ट हमें वो चिट्स फेंक दे डस्टबिन में एंड वी वेंट अच्छे बच्चे के तरह जाके हमने एग्जाम दिया. बट लुकिंग बैक टुडे आई एम सो ग्लैड आई डिडंट बिकॉज जी right. तो आप लोगों ने अगर नहीं किया तो किसी को देखा है अलग अलग तरीके से लोग चीटिंग करते, तो कुछ एक्सपीरियंस बताएं. हाँ मतलब वो हाथ पे ऐसे लिख के लाना. ज़ेरॉक्स कॉपी वो मिनी वाले या करे 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 या माइक्रो ज़ेरॉक्स छोटे छोटे एंड देन वो रूलर में लिखना द बोर्ड दैट यू राइट ऑन या साइन कर रहा है. सो आई हैव सीन and then passing how and I try to take my paper also you know kabhi bhi aap phans jate ho kar bhi nahi rahe ho but somebody is snatching your paper in the middle of the examination so yeah I have seen that. और मुझे मतलब मैं कैलकटा से, मुझे लगता है कैलकटा में चीटिंग थोड़ी कम होती थी बिकॉज वहाँ पे सब इतने पढ़ाकू होते हैं और सब जेन्युइनली इतने पढ़ाकू होते हैं कि सबको एक्चुअली पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनना होता है. तो बहुत ही कम लोग होते थे जो चीटिंग टीचिंग करते थे. चीटिंग कैरेक्टर की बात करूँ तो आप लोग काफ़ी बागी दिख रहे हैं एकदम द फुल एक्शन में. तो बताइए अपने किरदारों के बारे में थोड़ा कि आपको सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या लगा उसके लिए. मुझे मज़ा आया बिकॉज मेरे थोड़े से चेज सीक्वेंसेस भी हैं और कुछ स्लो पेस चेज है जिसमें आप भी ऑन माई टोज एंड आई एम टॉकिंग और मैं रिपोर्ट कर रही हूँ आफ्ताब को हुज़ माई बॉस इन द फिल्म. एंड भागने के भी सीक्वेंसेस हैं और वो बनारस में हमने शूट किए हैं. सो वो घाट्स में पूरे रनिंग चेज सीक्वेंसेस फॉर अ लॉट ऑफ फन. है ना? आई एम जेलस ऑफ योर गन पिकिंग शॉट. या तो लाइक आई सेड मुझे सुन के बहुत मज़ा आया दैट शी इज़ द दबंग गर्ल. एंड इस तरह से शुरुआत में ही फर्स्ट कपल ऑफ सीन्स में शी इज़ होल्डिंग अ गन एंड शी इज़ पॉइंटिंग आउट बिकॉज शी वॉन्ट्स कि जो मैं बोल रही हूँ वो तुम करो. जिसके लिए वो गन भी उठा देगी, शायद चलाएगी नहीं बट उठा तो देगी. ऐसी वो हड़का करती है सबको. बट द फनी थिंग इज़ हर फादर डजंट नो एनी ऑफ दिस. लाइक ही थिंक्स दैट शी इज़ वो उनके सामने चाय का प्लेट लेकर जाके रखेगी एंड इशारों में वो सबको कंट्रोल कर रही है कि हेलो हेलो. So I like that kind of character that she had very fun in life. अच्छा तो इस फिल्म को करते वक्त आपने पहली बार कोई चीज़ ट्राई की लाइक गन की बात हो रही है भाग दौड़ की बात है ऐसा कुछ? Honestly मुझे नहीं पता था. It was an old long rifle kind of a thing and then they said gun है. मुझे लगा गन है छोटा सा. I was prepared for that. Suddenly they came with something so big and I lifted it and the scene थोड़ा लंबा था. So scene के end तक my gun was pointing somewhere else. I couldn't lift it. So Shreyas is like he was in the scene with me. He's like भारी है क्या? So they didn't keep it in the scene but it was very funny that you know हमें हल्का रही और I can't even lift the gun. तो ऑफिसर बनी. हाँ मेरे पास तो हमेशा गन थी और मुझे एक दो सीन में वो चलानी भी पड़ी और एटलीस्ट उसको लोड करना. तो वो जिस दिन जो मेरा इंट्रो सीन है उसमें मुझे गन लोड करनी होती है और वो काफ़ी डिफिकल्ट है. जितना इजी लगता है लोग ऐसे खट 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 आके सो कूली करते हैं. हम लाइक या आई कैन डू दिस बट इट्स नॉट एट ऑल बिकॉज एक बार मेरी ऐसी स्किन आ गई उसके अंदर. इट्स क्वाइट लाइक डिफिकल्ट एंड टू डू इट सो फास्ट. एंड मैं पहले कुछ रिहर्सल ऑब्वियसली मैंने पहले रिहर्स किया. रिहर्सल में तो पहले मैं ऐसे देख देख के लोड कर रही थी ऐसे फास्ट लेकिन देख देख के. लाइक विच कॉप डज दैट यू नो यू आर सपोज टू लुक देयर एंड जस्ट डू इट. सो दोस टुक अ फ्यू टाइम्स बट इट वॉज फन. सो दैट इज़ अ न्यू थिंग आई लर्न कि मैगजीन क्या होती है और बुलेट्स किस में जाते हैं और गन कैसे लोड करती है और आँखें देख के मैं गन अब लोड कर सकती हूँ. तो ये बता दें कि सेट पर सबसे ज़्यादा मस्ती कोर कौन है? कुछ प्रैंक वगैरह कौन करता है? सो कुछ हुआ है मस्ती? I was waiting, I was hoping कि कोई कुछ प्रैंक करे. बट आई थिंक पवन जी वुड ऑलवेज क्रैक जोक्स. मेरे ज़्यादातर सीन पवन जी के साथ और श्रेयस के साथ थे एंड वुड सिंग सॉन्ग एंड श्रेयस ऑफ कोर्स ही डज वेरी गुड मिमिक्री. तो वो चलता रहता था कुछ ना कुछ सेट पे. बट प्रैंक्स एज सच मेरे हमारी तो बहुत ही सीरियस. आई थिंक आई सो मेरे ज़्यादा सीन्स थे आफ्ताब के साथ और यू नो जमील एंड अनिल के साथ. बट श्रेयस के साथ मेरा एक आधे सीन थे. बट आई थिंक द बॉयज आर फनी. Even Ashwin is funny, but he's also quite a big prankster, but was straight face. Oh yeah, he takes pictures that you're not expecting, and then he'll post ki dekho meri actress ko shaadi dekho ye hota hai. So yeah,
अच्छा ट्रेलर देखकर मैंने तो बता दिया मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन आपको किसी करीबी क्लोज वन से कोई फीडबैक किस तरह के मिले, कुछ ऐसा मिला अच्छा काफी आपको दिल को छू गया कोई फीडबैक? मेरी सबसे बड़ी फैन मेरी मम्मी वो हर चीज के लिए, बट शी लाइक द ट्रेलर सो. I haven't honestly spoken to my family, but few friends jo maine message check kiya, they have seen it and they were like, you know, wow, you know, we were not expecting, we didn't know it's about this. Of course, you know, I told them ki aisa kuch hai, but when they saw the trailer, they were like, it's very interesting and everything. So now I'm going to go back and start reading up on the comments. अच्छा आपसे जानना चाहूँगी कि तनुश्री जी ने हम सभी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा ताकत दी है, तो अब वो बॉलीवुड में आके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं, कुछ बता पाएं आप उनके बारे में? Nishi?